दिल्ली में गायों और आवारा पशुओं के साथ की तस्करी के मामले बढ़ने के बाद लोग भी गुस्से में हैं। आवारा पशुओं के साथ एक्सटेंड या तस्करी की सूचना के बाद लोगों को भी गुस्सा आता है। ऐसी घटना दिल्ली के शालीमार बाग क्षेत्र में देखने को मिली। यहां एक ट्रक चालक ने गाय के पैर पर ट्रक चढ़ा दिया। आसपास के लोगों ने ट्रक चालक को रोक लिया। ट्रक का मालिक भी बुलाया गया। ट्रक के मालिक ने कहा कि वह गाय के पैर का इलाज करवा देंगे, लेकिन अब तक यह बात आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई और कई लोगों ने मिलकर ट्रक चालक की ईंटों के साथ पिटाई कर दी। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली से संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सूरज। हाँ जी, सूरज। सूरज जी, क्या हुआ है? मैं कल हमारी बड़ी आईवा एक माल लेके आई थी, जैसे वो नहर से नीचे उतरी हैदरपुर की तरफ से, तो गाय बैठी हुई थी अंधेरे में, ना दिखाई देने की वजह से टांग से टायर उतर गया उसका। तो डेयरी वालों के और ये जो लड़के थे आवारा, इन्होंने हमारे ड्राइवर को पकड़ लिया। ड्राइवर का मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात होगी, हम आ गए। जाने के बाद मैंने उनको हाथ जोड़ के ये बोला कि मैंने उनको जाते ही ये बोला, मैंने अपनी बाइक खड़ी करी, बाइक खड़ी करते मैंने सब को राम राम करते ही मैंने ये बोला, मगर गौ माता को जो चोट लगी है भाई, वो 10 दिन में 15 दिन में 6 महीने में ठीक हो, उस गौ माता का सारा खर्चा हमारा होगा। लेकिन उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी और मेरे को एकदम ही चारों तरफ से कम नहीं तो 25-30 लोगों ने घेर लिया, जिसमें जो मैं जानता हूँ एक राकेश है जो जिस कंजा है, और एक ये विनीत कोई गऊ वाला जो जिसकी गौशाला थी, और जो डेयरी का रखी जिसने गौशाला नहीं डेयरी का रखी इसने रोड पे, और एक और है कोई दीपक दीपक, तो काफ़ी जिनके मैं नहीं जानता, को 25-30 आदमी थे जिन्होंने मेरे को ईंट से वार करे। और ये आपके सामने ही है, और अंधाधुंध मेरे चेहरे पे सर पे ये पसलिया बेहिसाब से मेरे को इतनी बुरी तरीके से पिटा है जिसकी कोई हद नहीं। तो आपने इस चीज़ के बारे में कंप्लेंट की थाने में? हाँ बिल्कुल कंप्लेंट करी है मैंने। तो क्या वहाँ पुलिस से क्या आश्वासन मिला? आपका जो MLC वगैरह करवाई उन्होंने हॉस्पिटल में? MLC हुई है, लेकिन आश्वासन मेरे को अभी तक कुछ नहीं मिला। तो ना मेरे को अभी तक ये कि मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मेरे को ये नहीं पता लगा कि वो पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई इस पर अभी तक कुछ नहीं की? भाई और मेरे साथ था। अच्छा, उसको भी बुरी तरह, और ये भी बोला गया इसे तो पैर तोड़ दो मार दो, तो मेरा गला तक दबाया गाड़ी के लगा के। उस जो आप बता रहे हैं आपके साथ एक और थे सतीश, उसको भी लगी? वही है, एडमिट है हॉस्पिटल में, उसके भी चोटें लगी हैं। गुम चोट है पीछे कमर में, सारा मांस वास फटा पड़ा उसका, डंडों से और ईंटों से मारे हैं।